ये सब सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें हैदर ने नहीं बताया? के अंदर भाग जा रहा है, डंडा हो रहा है, देखो ऊपर क्या 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 कर रहे हैं। चिन ओके शॉर्ट चेक जी बहुत ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इस गेटअप में हो, बट बेसिकली ये कॉमेडी सिचुएशन है और कॉमेडी सीन्स हैं, फनी सीन्स हैं, इसलिए मैं इस गेटअप में हूँ ताकि लोग हंसें, लोग स्माइल करें। आफ्टर ऑल एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर ऑडियंस, बट बेसिकली हम हुमैरा को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं जोया और मैं मिलकर, तो हम लोग पकड़े ना जाएं इसलिए हमने ये गेटअप, मैं ये गेटअप में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो हुमैरा को हंसाने की कोशिश हो रही है और ऑडियंस को भी हंसाने की कोशिश हो रही है। और वैसे तो लड़कियां सजने संवरने में काफी टाइम लगाती हैं, तो अब ये हैदर को तो पता चल ही गया होगा कि वो हीना की प्रिपरेशन। जी बिल्कुल, मैंने पहले बोला है हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स जो इतना मेकअप करते हैं और जो जिनको विग लगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। मैं पहले बस सुनता ही था कि लड़कियों को तो बहुत टाइम लगता है, बट वो सच है कि टाइम लगता है एक्चुअली। वी कांट ब्लेम देम बिकॉज दे हैव टू डू यू नो सो मेनी थिंग्स। आई का मेकअप होता है और ये विग सबसे मुश्किल पार्ट जो मेरा सर दर्द कर रहा है अभी वो होता है और बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हुमैरा क्यों नाराज है आपसे? क्यों इतना मतलब मनाने पहले प्लास्टर का बहाना? नहीं, हुमैरा नाराज मुझसे नहीं है, हुमैरा अपनी आई थिंक लाइफ से वो नाराज हो गई है अभी क्योंकि अयान चला गया है और वो थोड़ा सैड है लाइफ में कि कोई उनके साथ नहीं है और अयान भी चला गया, इसलिए वो नाराज है। और जोया और मैं बस यही चाहते हैं कि वो हंसे, और बहुत सारे रीजंस भी हैं क्योंकि हैदर चाहता है कि वो हंसे और क्या बेसिकली बहुत कुछ है स्टोरी में जो यू नो लाइक आई कांट से यू नो अबाउट दैट स्टोरी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हैदर हुमैरा की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या रीजंस हैं, तो हमें हैदर या हीना कौन बताना चाहेगा? नहीं, बेसिकली जो एज ग्रुप है वो हैदर का वो यही है कि जो ऑब्वियसली वो नुमानी से या इनके साथ तो इतना ज्यादा बात नहीं करेगा, उसकी एज ग्रुप ही यही है, तो वो जोया से बात करेगा, हुमैरा से बात करेगा जब वो हुमैरा को देखता है, बिकॉज वो खुद इतना फ्लेम्बॉयंट है, चार्मर है और इतना फन लविंग है, तो उससे उसे देख के बहुत अजीब लग रहा है कि कोई इतना सैड क्यों है, यू नो व्हाई शी सो सैड। तो वो देखकर यही चाहता है कि वो हंसे और स्माइल करे, और उसके बस हाथ धो के पीछे पड़ गया कि वो स्माइल करे ही करे और सब। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप हुमैरा को पूरी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कि हुमैरा को जब अगर मालूम पड़ जाता है कि आप हैदर ही हीना है, तो फिर क्या उसका रिएक्शन होगा, कैसे फिर उसको हैंडल करेंगे? ऐसा नहीं लग सकता कि वो आपसे ज्यादा अपसेट हो जाएंगे उस टाइम? भाई वो सिचुएशन क्या होगी वो तो क्रिएटिव ही बता सकते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही धमाल हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं यही सोचूंगा कि पकड़ा नहीं जाना चाहिए हीना, तभी मैं इतना भाग रहा हूँ, ये सब गेटअप में आ रहा हूँ कि मैं पकड़ा ना जाऊँ और सब कुछ खुल ना जाए। तो अगर ये खुल गया तो सब कुछ ही खुल जाएगा, हैदर का राज खुल जाएगा, हैदर कौन है ये सब खुल जाएगा, सब बातें खुल जाएंगी। सो आई डोंट थिंक वैसा होना चाहिए। हमने अभी सीन में देखा आप कहीं बालकनी में से भाग रहे हैं, तो एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है हमें बताएंगे? कुछ नहीं, मैं बस बेसिकली हुमैरा से बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुमैरा को ये समझ ना आए कि हीना कौन है और हैदर कौन है, मतलब बेसिकली मैं ही हूँ, बट उसको समझ नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं फटाफट से भाग के जाता हूँ ताकि मैं बस हुमैरा से भाग रहा हूँ बेसिकली। मतलब ये जो आपका गेटअप है काफी अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में सनाया का क्या रिएक्शन है हमें बताएंगे? सनाया शी जस्ट लाफ्ड एंड शी सेड कि यू आर लुकिंग क्यूट इन दैट गेटअप, उसे पसंद आया और वो बस हंसी, जैसे सब नॉर्मली सब लोग हंस रहे हैं मुझे देखकर ऐसे, तो मैं खुद को अपने आप को देखकर हंस रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में वियर्ड है, बट यही हमारा मोटिव है कि लोग हंसे, ये यही तो वो है कि लोग हंसे, स्माइल करें और यू नो एंजॉय करें ये सीन्स को। ओके, तो एक लास्ट विशेष मतलब बोलिए कि बॉलीवुड ग्लैमर के सभी दर्शक जो अभी देख रहे हैं वो हमारा शो कंटिन्यूअसली देखें।
बॉलीवुड ग्लैमर के सभी दर्शकों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारा जो शो देख रहे हैं कबूल है वो प्लीज आप कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं, बहुत सारे मस्ती वाले सीन्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे नए नए सीन्स आएंगे जिस जो आप जो आपको बहुत पसंद आएंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग कबूल है। ओके, टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बॉलीवुड, ओके टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बॉलीवुड एंड ग्लैमर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू।